हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंचनजंगा वॉरियर्स वर्सेस खड़गपुर ब्लास्टर्स के बीच में होने वाले 18वां T20 मैच के बारे में। और ये लीग की बात करें तो फ्रेंड्स, ये बायजूस बंगाल T20 चैलेंज लीग 2021 का है। और वेन्यू की बात करें तो ईडन गार्डन्स कोलकाता के होने वाले। तो बायजूस है फ्रेंड्स, तो इसकी स्पॉन्सर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बायजूस असम लीग भी होने वाला, वो भी मैं कवर करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं और डेट एंड टाइम की बात करें तो ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 7 बजे होने वाला है। तो अगर यहाँ पर पिच एंड वेदर रिपोर्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, ये पिच बॉलिंग के लिए फेवर करने वाला है और यहाँ पर बारिश होने की कोई चांसेस नहीं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 110 से 130 रन तक बन सकता है। अगर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें तो फ्रेंड्स, कंचनजंगा वॉरियर्स अभी तक एक मैच भी नहीं हारे, ये नेट रन रेट के एक पॉइंट मिला था फ्रेंड्स, चारों के चारों मैच जीत गए हैं। और खड़गपुर ब्लास्टर यहाँ पर 4 मैच में फ्रेंड्स 3 मैच हार के एक ही मैच जीते हैं। और यहाँ पर अगर पॉइंट्स टेबल में देखा जाए तो कंचनजंगा वॉरियर्स ने 5 मैच में आपको ऑलरेडी बताया 4 मैच जीते हैं और एक नेट रन रेट हुआ, पॉइंट्स टेबल में पहला पोजीशन पर। और खड़गपुर ब्लास्टर्स यहाँ पर 5 मैच में एक ही मैच जीते, 3 मैच हार के एक नेट रन रेट पॉइंट है फ्रेंड्स, 5th पोजीशन पर है। अब आगे फ्रेंड्स दोनों टीम की प्लेयर्स की स्टार्ट, तो यहाँ पर पहला नाम आता है फ्रेंड्स कंचनजंगा वॉरियर्स की प्लेयर स्टार्ट। पहला प्लेयर है नीलकांत दास फ्रेंड्स, बॉलर हैं इनकी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट मैच में इनको 29 रन देकर कोई सफलता नहीं, उसके बाद 24 रन देकर 1 विकेट, फिर इनकी बेस्ट एक और है फ्रेंड्स 22 रन देकर 1 विकेट, और जो बाकी जो मैचेस है इनमें इनको विकेट नहीं मिला। उसके बाद शुभम सरकार की बात करें तो ऑलराउंडर है फ्रेंड्स, 11 रन 5 बॉल पर बनाए। इनकी बेस्ट अगर बात करें तो 26 रन 9 बॉल पर बनाया है फ्रेंड्स। यहाँ पर बॉलिंग में देखा जाए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किया, 22 रन देके 1 विकेट लिए, 20 रन देके 1 विकेट, फिर यहाँ पर दोनों मैच में इनको विकेट नहीं मिला, 42 और 16 रन दे दिए हैं। और यहाँ पर सुप्रदीप देवनाथ की बात करें तो विकेट कीपर है फ्रेंड्स। यहाँ पर लास्ट तीनों मैच यहाँ पर अच्छे नहीं चले, 11 रन 11 बॉल पर इनकी हाइएस्ट यही है इस सीजन की। अभिषेक बोस की बात करें तो विकेट कीपर है फ्रेंड्स। यहाँ पर लास्ट मैच में 12 रन बनाए 14 बॉल पर, इनकी बेस्ट है 13 रन 4 बॉल पर, उसका बाद यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद अभिरूप गुप्ता की बात करें तो विकेट कीपर है फ्रेंड्स। यहाँ पर 34 रन बनाए 24 बॉल पर, 18 रन 11 बॉल पे, 19 रन 15 बॉल पे। और यहाँ पर बापी मन्ना की बात करें तो बॉलर है फ्रेंड्स, लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किया, 27 रन देके कोई सफलता नहीं, फिर 17 रन देके 2 विकेट और 30 रन देके 1 विकेट। और मिथिलेश दास की बात करें तो बॉलर है फ्रेंड्स। यहाँ पर 24 रन बनाए 18 बॉल पे, 23 रन 7 बॉल पे, उसके बाद 14 रन 18 बॉल पे, लेकिन गेंदबाजी में देखा जाए तो लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किया, उसके बाद 24 रन देके कोई सफलता नहीं और 14 रन देके 1 विकेट लिए हैं, फिर यहाँ पर 39 रन देके 1 विकेट लिए हैं। रवि कुमार की बात करें तो बॉलर है फ्रेंड्स। यहाँ पर लास्ट 2 मैच में 4 विकेट लिए हैं, 35 रन देके 2 विकेट और 15 रन देके 2 विकेट। और सजन मंडल की बात करें तो बॉलर है फ्रेंड्स। यहाँ पर 16 रन बनाए 20 बॉल पर, यहाँ पर 10 रन 18 बॉल पर, 12 रन 14 बॉल पर, 2 मैच में यहाँ पर बैटिंग ही नहीं की है, लेकिन गेंदबाजी में फ्रेंड्स लास्ट दोनों मैच में यहाँ पर 12 रन देके कोई सफलता नहीं मिला, फिर यहाँ पर गेंदबाजी नहीं की, फिर 30 रन देके कोई सफलता नहीं, फिर यहाँ पर 11 रन देके 1 विकेट लिए हैं। यहाँ पर सुमंता गुप्ता की बात करें तो बैट्समैन है फ्रेंड्स, 21 रन बनाए 17 बॉल पर, 34 रन 25 बॉल पर, 23 रन 13 बॉल पर, 13 रन 8 बॉल पर, 22 रन 29 बॉल पर। अभिजीत भगत की बात करें तो बैट्समैन है फ्रेंड्स। यहाँ पर 3 रन 5 बॉल पर बनाए, उसके बाद 12 रन 19 बॉल पे। यहाँ पर सुदीप गरामी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैट्समैन है, लास्ट मैच में यहाँ पर 0 पे आउट हो गए, लेकिन इनकी बेस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 58 रन 40 बॉल्स पे, उसके बाद 37 रन 42 बॉल्स पे। अनुष्तप मजुमदार की बात करें तो बैट्समैन है फ्रेंड्स, इनकी बेस्ट यहाँ पर लास्ट 4 और 3 मैच फ्लॉप हुए, लेकिन यहाँ पर 31 रन बनाए 44 बॉल्स पे, लेकिन यहाँ पर इनकी 92 रन 84 बॉल्स पे एक बेहतरीन इनिंग्स है। अब आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर दीपंजन मुखर्जी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विकेट कीपर है, इनकी बेस्ट स्कोर है 23 रन 9 बॉल पे, उसके बाद इनकी पूरी स्कोर इतनी खास अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर नाम है, लेकिन विकेट कीपिंग नहीं संभालते, एक डाउट आपका क्लियर हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर गेंदबाजी भी करते हैं, तो ये दीपंजन मुखर्जी विकेट कीपिंग नहीं करने वाले हैं। अब दूसरा टीम के आते हैं फ्रेंड्स खड़गपुर ब्लास्टर्स की, तो पहला नाम आता है DIP चटर्जी, बैट्समैन है फ्रेंड्स, इनकी बेस्ट की बात करें तो 50 रन 42 बॉल पर, 43 रन 47 बॉल पर। गीतमय बासु की बात करें तो विकेट कीपर है फ्रेंड्स, यहाँ पर बनाए 10 रन 14 बॉल पर, 41 रन 40 बॉल पे, 11 रन 13 बॉल पे, उसके बाद 8 रन 12 बॉल पे, 10 रन 12 बॉल पे। उसके बाद यहाँ काजी जुनैद सैफी की बात करें तो कैप्टन है फ्रेंड्स, 39 रन बनाए 30 बॉल पे, उसके बाद 57 रन 43 बॉल्स पे, 40 रन 42 बॉल्स पे, 41 रन 29 बॉल्स पे, 70 रन 56 बॉल्स पे। तो बेहतरीन फॉर्म में फ्रेंड्स काजी जुनैद सैफी, यहाँ पर इनको आप लेना। यहाँ पर गेंदबाजी में लास्ट मैच में गेंदबाजी नहीं की है फ्रेंड्स यहाँ पर, उसके बाद 20 और 11 रन देखे कोई सफलता नहीं, फिर 22 रन देखे 1 विकेट लिए, फिर यहाँ पर 0 पर 5, फिर डू नॉट बॉल है फ्रेंड्स यहाँ पर। पारस बर्मन की बात करें तो ऑलराउंडर है फ्रेंड्स, यहाँ पर बैटिंग में 24 रन बनाए 10 बॉल पे, उसके बाद 19 रन 24 बॉल पे, और इसके बाद 28 रन 45 बॉल पे, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी में देखा जाए तो फ्रेंड्स 19 रन देके 1 विकेट लिए, 29 रन देके 2 विकेट, फिर यहाँ पर 12 रन देके 1 विकेट, यहाँ पर 10 रन देके 3 विकेट लिए पारस बर्मन। अभिमन्यु ईश्वरन की बात करें तो बैट्समैन है फ्रेंड्स, इनकी 12 रन 9 बॉल पे, यहाँ पर इनकी बेस्ट है 99 रन 105 बॉल पे, 44 रन 61 बॉल पे, 35 रन 38 बॉल्स पे, 39 रन 49
सेकंड बॉल्स पे है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद मोहम्मद कैफ की बात करें तो मोहम्मद शमी के भाई हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। इनकी बात करें तो यहाँ पर बैटिंग तो गोली मारी है फ्रेंड्स, यहाँ पर इनको देखनी है तो गेंदबाजी देखनी है। 29 रन देकर 2 विकेट लिए हैं, फिर 29 रन देकर 1 विकेट, फिर 21 रन देकर कोई सफलता नहीं, फिर 13 रन देकर 1 विकेट लिए हैं, फिर 21 रन देकर 3 विकेट, 11 रन देकर 4 विकेट, 30 रन देकर 1 विकेट, 38 रन देकर कोई सफलता नहीं। तो संदीपन दास की बात करें तो बॉलर है फ्रेंड्स यहाँ पर, 25 रन देकर 1 विकेट लिए हैं और 21 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। यहाँ पर रवि कुमार राजकुमार पाल की बात करें तो बॉलर है फ्रेंड्स यहाँ पर, 33 रन देकर 1 विकेट, 12 रन देकर 1 विकेट, 12 रन देकर 2 विकेट, 26 रन देकर 2 विकेट, यहाँ पर 16 रन देकर 2 विकेट और 16 रन देकर 1 विकेट। तो फ्रेंड्स इस मैच के अलावा हर मैच में विकेट लें तो यहाँ पर इस प्लेयर को आपको 100% रखना है। और यहाँ पर प्रदीप्ता प्रामाणिक की बात करें तो फ्रेंड्स ऑलराउंडर है, इनकी कोई खास स्कोर नहीं है फ्रेंड्स, लास्ट मैच में 3 रन बनाए लेकिन यहाँ पर 26 रन बनाए। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में देखा जाए तो यहाँ पर 22 है, 28 रन दिए और 2 विकेट लें, 28 रन देकर 1 विकेट, 25 रन देकर 2 विकेट, फिर 25 रन देकर 1 विकेट, फिर 25 रन देकर 1 विकेट, और यहाँ पर कुछ खास स्कोर नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई विकेट्स नहीं मिला। मोहित रॉय की बात करें तो बैट्समैन है फ्रेंड्स, इनकी बेस्ट है 41 रन 27 बॉल पे। उसके बाद युवराज केसवानी की बात करें तो 1 रन और 2 रन बनाए फ्रेंड्स यहाँ पर। दिव्या मजूमदार की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिव्या मजूमदार की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो 10 रन और यहाँ पर 9 रन बनाए 13 और 11 बॉल खेल के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, मैच डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, पॉइंट्स टेबल, ये सारा इन्फॉर्मेशन के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर मेन होती है प्लेयर्स की स्टैट। तो यहाँ पर लास्ट 5 मैच 6 मैच जो भी मुझे मिला फ्रेंड्स, जो भी मैं सारा स्टैट सबको दिया, अगर यहाँ पर अगर दूसरा रहता तो फ्रेंड्स एक मैच के स्कोर कार्ड देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते किसी भी प्लेयर को। इसलिए फ्रेंड्स मैं सारे मैचेस की स्टैट्स देता हूँ, यहाँ पर कितने रन बनाए, कितने बॉल्स खेले और कितने विकेट्स लिए, कितने रन दिए, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड। अगर 5 मैच भी मैं कवर करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैचेस को कवर किया, तो इसी तरह मैं हर मैच कवर कर रहा हूं फ्रेंड्स यहां पर। अगर ऐसा फुल टाइप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, जस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल विजिट करना फ्रेंड। चलिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको फाइनल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया फ्रेंड, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसी स्टार्ट हर मैच का इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरह यहाँ पर मिल जाएगा फ्रेंड, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ओपन नहीं होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, लिंक जाके क्रिकेट विद शत्रुघ्न जो भी सर्च करना फ्रेंड, सर्च करते मेरे चैनल से हो जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए आपको मैं टीम दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने विकेट कीपर में ये गुप्ता को लिया फ्रेंड्स यहाँ पर, बैट्समैन में एस गुप्ता, एस गरामे और डी चटर्जी है। और यहाँ पर ऑलराउंडर्स में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रामाणिक, जुनैद सैफी, शेखर मन और यहाँ पर सरकार है फ्रेंड्स यहाँ पर। और गेंदबाजी में आर कुमार पाल, अहमदास और आर कुमार है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन काजी, जुनैद सैफी और अहमदास को मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप आर कुमार पाल को भी कैप्टन और वाइस कैप्टन में पिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह है मेरी फाइनल टीम, अगर इसमें कोई भी प्लेयर मिस हो जाएगा तो फ्रेंड आपको मैं फाइनल टीम और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। इस मैच की जो स्टार्ट्स है अभी बहुत जल्दी आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा फ्रेंड। अभी नेक्स्ट मैच की स्टार्ट्स अभी तक नहीं दिया फ्रेंड्स, यहाँ पर लक्समबर्ग और जो नॉर्वे के बीच में जो 6:30 बजे मैच है फ्रेंड्स, उसकी स्टार्ट्स बहुत जल्दी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स हर मैच की स्टार्ट्स आपको मैं टेलीग्राम पे ही देता हूँ, तो यहाँ जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स यही है पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स। थैंक यू।